आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, दैट कंसर्न विद द प्रोस्पेक्टस, जो परव्यूरन से संबंधित है। क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो सामान्यतया इस प्रकार का होगा, परव्यूरन से आपका क्या अभिप्राय है, परव्यूरन में मिथ्या कथन एवं झूठ के प्रभावों की विवेचना कीजिए। परव्यूरन के बारे में समग्र जानकारी हम लोगों ने ली थी, अब अपन दूसरे पाठ की चर्चा करेंगे कि परव्यूरन के निर्माण का स्वर्णिम नियम, द गोल्डन रूल फॉर द फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस, या परव्यूरन के अंदर झूठ और मिथ्या कथन का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम ये जानकारी हमें जानकारी है कि परव्यूरन कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रलेख है, डॉक्यूमेंट है, और ये कंपनी के अंश या ऋण पत्र क्रय करने हेतु जनता को दिया गया निमंत्रण है, इनविटेशन है, न्योता है। और जनता जो है, पब्लिक जो है, या यूँ कह लीजिए संभावित जो विनियोजक है, वो उस कंपनी के अंदर विनियोग करेंगे अथवा नहीं करेंगे, वो अंशों के धारक बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो डिबेंचर्स होल्डर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये इस बात पर निर्धारित करेगा कि परव्यूरन की विषय वस्तु क्या है, परव्यूरन का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, उसके आधार पर ही विनियोजक विनियोजन करने का निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर परव्यूरन तैयार करते समय, फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टस, परव्यूरन तैयार करते समय उसको इस रूप में तैयार करना चाहिए, इस रूप में फ्रेम करना चाहिए ताकि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के साथ साथ किसी भी प्रकार की भूल या मिथ्या कथन, ओमिशन और मिस स्टेटमेंट, भूल और मिथ्या कथन नहीं होना चाहिए, और यही नहीं बल्कि कोई इस प्रकार का छिपाव भी नहीं करना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ द कंसीलमेंट, ऐसा छिपाव भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से विनियोजकों को किसी तरह का भ्रम हो, डाउट हो, एम्बिग्युटी हो, अनक्लेरिटी हो। मीनिंग देयर बाई, यदि आपने कोई इस प्रकार की चीज़ लिख दी, या इस प्रकार की चीज़ लिखने से छोड़ दी, या ऐसी भूल कर दी जिसकी वजह से विनियोजकों को किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो, भ्रम पैदा हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी दैट प्रोस्पेक्टस विल बी ट्रीटेड एज ए इंड्यूसर बाय दी ओमिशन एंड मिस स्टेटमेंट। ऐसा जो परव्यूरन होगा वो भूल और मिथ्या कथन के द्वारा प्रेरित प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। और बहुत स्पष्ट बात है, यदि परव्यूरन के अंदर भूल और मिथ्या कथन की वजह से अगर किसी पक्षकार ने कंपनी के अंदर अंशधारी या ऋण पत्रधारी बनने का अगर कोई निर्णय ले लिया है, तो उसको न केवल दोषी पक्षकारों के विरुद्ध बल्कि कंपनी के विरुद्ध भी जो है वो अधिकार प्राप्त होंगे, जिनका खुलासा आप अपन करेंगे। वीसी किंडरसले ने एक मामले में निर्णय देते हुए लिखा है कि परव्यूरन में प्रत्येक बात को बिल्कुल सही एवं ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए, कोई भी ऐसी तथ्यपूर्ण बात इस ढंग से नहीं लिखनी चाहिए जो उस रूप में नहीं है, न किसी बात को छिपाने का प्रयास करना चाहिए, यहाँ तक कि ऐसी भूल भी नहीं करनी चाहिए जो विनियोजकों के हितों को प्रभावित करती हो।
वीसी पेजवुड ने इसी कथन को किंडर्सले के कथन को स्वर्णिम सिद्धांत का नाम दिया तथा इसे संचालकों एवं अंशधारियों के बीच आचरण का नियम द रूल ऑफ द कंडक्ट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर का नाम दिया। परिवर्णन में मिथ्या कथन या असत्य कथन का क्या मतलब है? तो बहुत स्पष्ट बात है कि मिथ्या कथन या असत्य कथन से तात्पर्य किसी ऐसे कथन या विवरण से है जो परिवर्णन में सम्मिलित किए गए रूप एवं संदर्भ में जिस रूप में जिस संदर्भ में जिस परिप्रेक्ष्य में उसको सम्मिलित किया गया है उस संदर्भ में भ्रामक कन्फ्यूजिंग इल्यूजरी एवं मिसलीडिंग गुमराह करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में उसको मिस स्टेटमेंट या अनट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा। इसमें ऐसी भूल भी सम्मिलित है जो गुमराह करने वाली हो या गुमराह करने वाली समझी जाती हो, कैलकुलेटेड टू मिसलीड। अगर उसका भाव अर्थ ये निकलता हो कि इस बात से कन्फ्यूजन पैदा होता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए मिस स्टेटमेंट एंड द अनट्रू स्टेटमेंट। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब जनता को भ्रम में डालने के उद्देश्य से परिवर्णन किसी तथ्य को असत्य रूप में प्रकट किया जाता है अथवा किसी तथ्य को छिपाया जाता है तो वो असत्य कथन की श्रेणी में माना जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेज़, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट अनट्रू स्टेटमेंट एंड द ओमिशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इसको अपन बाय एंड लार्ज दो भागों में विभाजित करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेडी अगेंस्ट द कंपनी, कंपनी के विरुद्ध उपचार। कंपनी के विरुद्ध उपचार को अपन पूरे दो भागों में विभाजित करेंगे। अनुबंध के परित्याग का अधिकार, राइट टू रिसाइन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान करेंगे। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ओमिशन और मिस स्टेटमेंट या अनट्रू स्टेटमेंट के आधार पर अगर अंश या ऋण पत्र खरीदने का निर्णय कर लिया है तो उसको सबसे पहला अधिकार ये प्राप्त होगा कि वो अंशों का परित्याग कर सकता है, अनुबंध का परित्याग कर सकता है। जैसे ही वो अनुबंध का परित्याग करेगा वो अंश उसको कंपनी को वापस लौटाने पड़ेंगे और कंपनी में जमा कराई गई धनराशि ब्याज सहित वो वापस प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसको ये अधिकार तभी प्राप्त होगा जब निम्नांकित शर्तें पूरी हो रही हो। क्या? परिवर्णन कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो, पहली शर्त। परिवर्णन दिया गया कथन असत्य होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रूव्ड। नंबर तीन, असत्य कथन या छिपाव किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में होना चाहिए, इट कंसर्न विद द मेटीरियल फैक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। चौथा, पीड़ित पक्षकार ने असत्य कथन से प्रेरित होकर प्रतिभूतियां क्रय की हो। ये भी कानून के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अनट्रू स्टेटमेंट है लेकिन सिक्योरिटीज को क्रय करने वाला व्यक्ति अगर इंड्यूस्ड नहीं है तब भी उसको उपचार प्राप्त नहीं होगा। पांचवा, अनुबंध को निरस्त केवल मूल आबंटी ही कर सकता है। यदि उसने स्कंद विनिमय केंद्रों से अगर कोई प्रतिभूति क्रय कर ली है तो कंपनी के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और लास्ट बात यह है कि जो परित्याग का उसने निर्णय लिया है इट मस्ट बी विद इन द रीजनेबल टाइम, उचित समय के अंदर जो है वो परित्याग की कार्रवाई प्रारंभ हो जानी चाहिए। यानी कंपनी के समापन की अगर कार्रवाई प्रारंभ हो जाए उसके बाद के अंदर वो निरस्त करना चाहे तो वो संभव नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेज़, द लिमिट ऑफ द राइट्स, समाप्ति का अधिकार की समाप्ति कब हो जाएगी? ये जो कंपनी के विरुद्ध अनुबंध के परित्याग का जो अधिकार दिया है वो कब समाप्त होगा? तो इसमें पहला आधार बताया है, यदि वे उस अनुबंध का अनुमोदन करता हो, बी इट इज अप्रूव्ड या मौन टेसिट साइलेंस एक्सेप्टेंस दे दी हो, मौन स्वीकृति दे दी हो, तब भी उसको अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
यदि रिजनेबल टाइम के अंदर अनुबंध का परित्याग नहीं करता है तभी बात खत्म हो जाएगी। अधिकार का उपयोग करने से पहले मान लीजिए वाइंडिंग अप की कार्रवाई प्रारंभ हो गई हो तब भी कोई मतलब नहीं होगा। यदि अनुबंध के पक्षकारों को पूर्व स्थिति में पहुंचना संभव नहीं हो, स्थिति ऐसी हो गई है कि रेस्टोरेशन जो है वो संभव नहीं हो। और लास्ट पॉइंट यह है कि यदि परिवर्तन में वर्णित असत्य कथन कानून से संबंधित हो, इसमें एक बहुत स्पष्ट बात है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड। अगर आदमी कानून से अनभिज्ञ है तो उसको किसी तरह की कोई रिमेडी प्राप्त नहीं होगी। और दूसरा कंपनी के विरुद्ध अधिकार है सती पूर्ति का अधिकार। ध्यान करेंगे ये पीड़ित पक्षकार को केवल अनुबंध के परित्याग का अधिकार प्राप्त नहीं है बल्कि वो सती पूर्ति का अधिकार भी उसको प्राप्त होगा। लेकिन ये अधिकार तभी प्राप्त होगा जब उसने अंशों का परित्याग कर दिया। नंबर एक, असत्य कथन पर विश्वास करके ही कंपनी की प्रतिभूति में अभिदान किया हो। नंबर दो, असत्य कथन के कारण क्षति वास्तव में हुई हो, केवल भ्रम होने से कुछ नहीं होगा, एक्चुअल के अंदर लॉस जो है उसको हुआ हो। तीसरा, उसने करे का अनुबंध निरस्त कर दिया हो, ये बहुत ज़रूरी बात है, यानी अंशों का धारक होकर के कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब पीड़ित पक्षकार ने अनुबंध को परित्याग कर दिया गया हो। मैंने आपको बताया ना कि भाई प्रतिभूतियों को रखते हुए जो है क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की जा सकती। और दूसरा जो अधिकार प्राप्त होगा दैट इज एक्सप्लेन बाय द कैपिटल लेटर बी, संचालकों, प्रवर्तकों, विशेषज्ञों आदि के विरुद्ध अधिकार। अब ऐसे समस्त पक्षकार जो है वो पीड़ित पक्षकार के प्रति उत्तरदायी होंगे, जो या तो संचालक के रूप में हो या प्रवर्तक के रूप में हो या जिन्होंने परिवर्तन जारी करने की सहमति दी हो, किसी न किसी रूप में जो है वो उसमें पक्षकार रहा हो या उसने विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दी हो या कमेंट किया हो जिससे प्रेरित होकर के और विनियोजकों ने विनियोजन किया हो, तो इन सारे पक्षकारों को जो है वो दोषी पक्षकारों को के विरुद्ध जो है पीड़ित पक्षकारों को अधिकार प्राप्त होंगे। इन अधिकारों को भी अपन दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है दीवानी दायित्व व्हिच इज नोन एज सिविल लाइबिलिटीज। पीड़ित पक्षकार को इन पक्षकारों के विरुद्ध, इसका मैंने खुलासा किया है, निम्नांकित उसका उपचार प्राप्त होंगे। नंबर एक है क्षतिपूर्ति का अधिकार। कंपनी के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार और दोषी पक्षकारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के अधिकार में मूलभूत अंतर यह है कि जब दोषी पक्षकार के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का जब अधिकार प्राप्त होगा तो उनमें अंशों को वापस लौटाने की आवश्यकता नहीं है, अंशों को धारित करते हुए भी इस अधिकार का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन निम्ना परंतु उत्तरदायी व्यक्ति अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है यदि वो सिद्ध कर दे क्या हाल तो दे आर लायबल फॉर कंपनसेशन, लेकिन अगर ये स्थितियाँ हैं तो वो मुक्त भी हो सकता है। बहुत सामान्य और कॉमन सेंस की बात है, कब, जब निर्गमन से पूर्व अपनी सहमति वापस ले ली हो तो वो संबंधित पक्षकार जिसने सहमति वापस ले ली वो उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा, उसकी बिना सहमति के परिवर्तन जारी किया जारी हुआ था इसका मतलब वो उसमें भागीदार नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि असत्य कथन की जानकारी होते ही न केवल उसने सहमति वापस ली है बल्कि इस आशय की सार्वजनिक सूचना भी दे दी है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि यदि कोई परिवर्तन कपट में उद्देश्य से जारी हुआ हो, ये एक तो सामान्य मिस स्टेटमेंट या अनट्रू स्टेटमेंट होता है, एक अगर फ्रॉडुलेंट ऑब्जेक्टिव कपट में उद्देश्य को आधार रख करके फिर उन्होंने जारी किया है तो दोषी पक्षकार असीमित रूप से क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसका निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा विवेकाशील अधिकार के द्वारा किया जाएगा, सेक्शन 35 सबसेक्शन 3। दूसरा है दंडनीय दायित्व। परिवर्तन मिथ्या कथन से प्रेरित होने पर संबंधित पक्षकार धारा 447 के अधीन प्रदत्त दंड के लिए उत्तरदायी होंगे, एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 34। धारा
447 में दंड का प्रावधान इस प्रकार है। नंबर एक, दोषी पक्षकार को कम से कम 6 माह तथा अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है। और दूसरा, साथ ही कपट में निहित राशि या उस राशि से 3 गुना राशि तक उसको दंडित किया जा सकता है। लेकिन यदि वो अपना दोष साबित कर दे, यदि वो अपना दोष जो है वो साबित होने से सॉरी खंडित कर दे, तो ऐसी स्थिति के अंदर दंडनीय दायित्व से उसको मुक्त किया जा सकता है। दीज आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द रिमेडीज अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स एज वेल एज डिबेंचर होल्डर अगेंस्ट द कंपनी एज वेल एज डिफॉल्टर्स। दैट्स ऑल।